रीवा के शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाली मोहना कुमारी सिंह ने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से घर घर में अपनी पहचान बनाई। वहीं 14 अक्टूबर 2019 को मोहना ने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और आध्यात्मिक गुरु सतपाल महाराज के छोटे बेटे सुयश रावत से शादी की। आज मोहना और सुयश की शादी को पूरे 2 साल हो चुके हैं। ग्लैमरस इंडस्ट्री से आने के बावजूद मोहना ने सुयश के परिवार में अपनी काफी अच्छी जगह बना ली है। मोहना ने अपने परिवार के खातिर अपने करियर को साइड में रखा और ससुराल के बनाए नियमों को ध्यान में रखते हुए अपनी शादीशुदा जिंदगी के 2 साल पूरे किए हैं। आपको बता दें, मोहना और सुयश की शादी एक अरेंज्ड मैरिज है, जहां आम परिवारों की तरह ही दोनों परिवारों ने दोनों की शादी फिक्स की। अपनी शादी के तय होने के बाद ही मोहना ने ग्लैमरस इंडस्ट्री को अलविदा कहने का फैसला कर लिया था। मोहना जानती थी कि उनके ससुराल वाले लाइमलाइट में रहने वाला परिवार नहीं है, ऐसे में मोहना ने भी उनके नियमों को अपनाते हुए ग्लैमरस इंडस्ट्री को अलविदा कहा। आज मोहना और सुयश की दूसरी एनिवर्सरी पर हम आपको उनके लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। आपको बता दें, दोनों की पहली मुलाकात दिल्ली में हुई थी, जहां उनके परिवार वालों ने ही उन्हें मिलवाया था। जहां सुयश काफी शांत स्वभाव के हैं, तो वही मोहना काफी बातूनी है। मोहना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मुझे उनकी जो बात अच्छी लगी वो यह थी कि उन्हें पहाड़ बहुत पसंद है और मुझे भी। उन्हें घूमना और ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। मैं अपनी जिंदगी में पहाड़ों पर घूमना चाहती थी। इतना ही नहीं, मुझे लगता है कि जिन लोगों को पहाड़ पसंद होते हैं वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा उन्होंने मुझे इम्प्रेस करने के लिए बेकार की चीज़ें नहीं की। मुझसे बात करने में ज़रूर उन्होंने बहुत सारा वक्त लिया, लेकिन उन्होंने मुझे उनके लिए उत्सुक बना दिया था। जब मैं उन्हें समझी तो मुझे पता चला कि वे दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। वो बहुत शांत और स्थिर है। मैं कई बार ड्रामेटिक और थोड़ी मुश्किल हो जाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। मुझे उनकी सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि वो हमेशा कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हें शोबिज पसंद नहीं है, लेकिन वो मुझे कहते हैं कि मैं जो चाहूँ वो करूँ। वो मुझे ब्लॉग शूट करने में भी मदद करते हैं। मोहना ने अपनी पहली मुलाकात में ही सुयश को 5 घंटे का इंतजार करवा दिया था। दरअसल अपनी पहली मीटिंग के दौरान मोहना स्टार परिवार अवार्ड में गई थी और उसके बाद उन्हें सुयश राय से डिनर पर मिलना था, लेकिन अवार्ड फंक्शन में उन्हें 4 से 5 घंटे देरी हो गई। और इसके बाद जब वो सुयश राय से मिलने गई तो सुयश ने बड़े ही सहजता से कहा, कोई बात नहीं, इस लाइन में समय लग जाता है, मैं समझता हूँ। और इसी बात से मोहना काफ़ी इम्प्रेस हो गई और उन्हें लगा कि उन्हें उनकी ज़िंदगी के सबसे अच्छे इंसान मिल गए हैं। मोहना के ससुराल वाले उनके प्रोफेशन के बारे में जानते थे, हालांकि सुयश लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करते हैं। मोहना ने 14 अक्टूबर 2019 को हरिद्वार में सुयश रावत के साथ शादी की थी और उनकी शादी में इंडस्ट्री और राजनीति से जुड़े कई लोग शामिल हुए थे। मोहना और सुयश को आशीर्वाद देने खुद नरेंद्र मोदी भी उपस्थित हुए थे। हम मोहना और सुयश को शादी की दूसरी सालगिरह पर ढेर सारी बधाई देते हैं। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।